पतंग पतंग ही पतंग हर क्षेत्र से पतंग नजर आएगा, तो उन्हें लगेगा कि गाजियाबाद के लोग ही नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, बैरिस्टर साहब से पूरे हिंदुस्तान के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जिसका नेता बब्बर शेर, उसका हर कार्यकर्ता शेर 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 शेर। क्या आप अपने नेता से प्यार करते हो? क्या आप अपने नेता से मोहब्बत करते हो? तो इस मोहब्बत का इजहार किस प्रकार करोगे? क्या कैसे आप उनको बताओगे कि वो आप उनसे मोहब्बत करते हो? उन्हें कैसे एहसास होगा? होगा एहसास, एहसास होगा जब 13 तारीख को वोट की गिनती होगी और उन्हें जब ठपाठप 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 पतंग ही पतंग हर क्षेत्र से पतंग नजर आएगा, तो उन्हें लगेगा कि गाजियाबाद के लोग ही नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, बैरिस्टर साहब से पूरे हिंदुस्तान के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बैरिस्टर साहब को लगे कि मैं जिसके लिए लड़ता हूं, मैं जिसके लिए मरने को तैयार हूं, क्या ये वही गाजियाबाद है जिस गाजियाबाद की धरती पे हमारे महबूब हमारे नेता पे जालिमों ने जानलेवा हमला किया था? क्या ये वही गाजियाबाद है? यही वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में गोली चलाने वालों को सरकार के लोगों ने स्वागत करने का काम किया था? तो वफा की राह में, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, और खुशियां मनाओ दीवानों मोहब्बत शहीद होती है, मोहब्बत शहीद होती है। तो एक मोहब्बत आपके लिए मरने को तैयार है, जिसका नेता बब्बर शेर, उसका हर कार्यकर्ता शेर 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 शेर। मेरे साथियों याद करना उस अखिलेश यादव का वो दिन जब मुजफ्फरनगर में हमारी मां बहनों के आबरुओं को लूटा जा रहा था। याद करना वो दिन जब मुजफ्फरनगर में कत्लेआम हो रहा था। उस वक्त सैफई के अंदर में वही समाजवादी पार्टी की सरकार रंगीन डांस कराने का काम कर रहा था, यह सोच करके वोट डालने का काम करना। मेरे साथियों जब वोट डालने चलना तो याद करना कि किस तरीके से इस उत्तर प्रदेश की सरकार जाति और धर्म को देख करके उसका बुलडोजर घूमने का काम करता है। किस प्रकार उत्तर प्रदेश की पुलिस, मैं खाकी को सलाम करता हूँ, खाकी मेरे देश की आन बान शान है। इस खाकी को पहनने वाला कोई टाटा बिरला का बेटा नहीं, हमारे किसान का ही बेटा है। लेकिन सरकार अपने अंगूठे पे अपनी उंगली पे जो प्रशासन और शासन को नचाने का काम करता है, उसका मैं संवैधानिक रूप से विरोध करता हूँ। मेरे सीने में न सही, मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बात तो करते हैं महिलाओं की, बात करते हैं आधी आबादी की, और याद होगा हमें और आपको कि 15 अगस्त था नहीं 26 जनवरी था, लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां, और दूसरी तरफ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक तरफ महिलाओं को बढ़ने की बात और पढ़ने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश की बेटी, हमारे देश की बहन, हमारे देश की माँ बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने का इजाजत देता है। इसी शेर के बीच एक शायर हमारे हमारे भाई जमीर हापुड़ी, आपको 2 मिनट का समय देता हूं क्योंकि मेरा महबूब आ रहा है, उनकी तारीफों के कसीदे में जितने भी पढ़ लूं वो कम है, और आपसे भी गुजारिश है कि हमारे नेता के बारे में ही बोले। इसके बाद में 2 शेर के, अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो, और लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होता, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होता, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। आइए दोस्तों, जमीन पे बैठा हुआ
जमीन पे बैठा हुआ आसमान देखता है, आपसे कह रहा हूं सबसे, जमीन पे बैठा हुआ आसमान देखता है, पतंग उड़ा ले, पतंग उड़ा ले, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठा हुआ आसमान देखता है, पतंग उड़ा ले, जमाना उड़ान देखता है। और दोस्तों, मुफलिस हो कोई या कोई जरदार हो, जिसके दिल में हो मोहब्बत, जिसके दिल में प्यार हो, जो गनी अखलाक का हो, साहिबे किरदार हो, वोट उसको दीजिए जो वोट का हकदार हो। जमीर हापुड़ी, आदाब।